डेढ़ दिन की गणपति का विसर्जन है। मैं अपने पुराने मकान में आई हूँ। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से गणपति का त्यौहार मनाया जाता है। ये वहाँ पर पंडाल में गणपति आती है। क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये सब हो रहा है। लेकिन हम भक्तों में उत्साह तो जैसा है वैसे ही रहेगा और रहना भी चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर घर में जो गणपति है उसके दर्शन करती हूँ, पंडाल का दर्शन करती हूँ, और फिर मैं आपको आज ले चलूँगी गणपति विसर्जन जहाँ हो रहा है वहाँ की झलक दिखाती हूँ। तो आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कितना सुंदर डेकोरेशन है। ये गणेश जी की जो प्रतिमा है ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 2 फीट से कम की रखी गई है और ये सांडू मिट्टी से बनाई गई प्रतिमा है। और ये हमें असल में इन फूलों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कैसे वो 24 घंटे से कम की ज़िंदगी नहीं मिलती है, लेकिन ये अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में चारों तरफ कितनी अच्छी खुशबू फैला देते हैं। और आप देख रहे हैं कि कैसे मोदक बाकी के फल हैं यहाँ पर और भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे जो अभी गुलाल रखे गए हैं उनसे कितना अच्छा ये डेकोरेशन लग रहा है। हालांकि अभी मैं जमकर मोदक खाने वाली हूँ और आप सभी को बताना चाहती थी कि आप अवॉइड कीजिए ज़्यादातर लोगों के यहाँ जाने से। मैं भी एक आध घर में ही जा रही हूँ और मैं आपको आगे भी अपडेट देती हूँ। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए और इस बच्ची की धार्मिक भावना को देखिए। ये अपना खुद का वजन नहीं उठा पा रही, इसने इतने कीमती इयररिंग्स पहने हैं वजनदार, उसका वजन नहीं उठा पा रही, लेकिन इसने इस बच्ची को उठाया है जिससे कि चाहे कुछ भी हो जाए ये इसका दर्शन इसे करा के ही रहेगी। तो इसकी जो डेडिकेशन को हम सलाम करें। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। मेरे सब्सक्राइबर से, ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है, इन्होंने मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कैसे मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने अपने मम्मी और पापा के मोबाइल से भी मुझे सब्सक्राइब किया है। मतलब एक घर में मुझे 3 सब्सक्राइबर और यहाँ इनकी बहन का जल्दी जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वो भी मुझे सब्सक्राइब करेंगी। अभी वो इतनी ईमानदार हैं कि वो कैमरे को फेस नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे। और ये देखिए, ये इन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। आप हाई कीजिए जरा हमारे, या ये ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। तो आप भी अगर आपकी उम्र कम है तो आप अपने पापा मम्मी के मोबाइल से मुझे मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कितना अच्छा हम सब्सक्राइबर्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हमारी बन गई है। तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कितने स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ परोसे गए हैं। अब आपको मैं बता दूं कि मैंने इस बार गणेश चतुर्थी में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा मैं एटलीस्ट एक फैमिली के यहाँ ज़रूर जाऊंगी गणेश दर्शन के लिए, लेकिन वो भी दोपहर के समय। जी हाँ, दोपहर के समय, जिससे कि एटलीस्ट दोपहर को जहाँ पहुँचूंगी दोपहर का एक वक्त का खाना तो मिल जाएगा। तो चलिए, मुझे खाना तो मिल गया और मैं खाना भी शुरू कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भांडुप वेस्ट में ये श्री पथिक तालाब ये जगह है।
शिवाजी तलाव में हर साल यहाँ गणपति विसर्जन का बहुत ही बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट द्वारा दी हुई गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर डेढ़ दिन की गणपति का आज विसर्जन हो रहा है। आप पुलिस की भी व्यवस्था है यहाँ पर, DMC की कचरा उठाने के लिए इन्होंने अपनी गाड़ियों की व्यवस्था की है, और पुलिस सिक्योरिटी, ट्रैफिक पुलिस, इन सब यहाँ पर अपने चुस्त हैं अपने काम के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय भी हमको देखना शायद नसीब में था, इसलिए ये अभी हम इस तरह से उसमें एडजस्ट करना कहिए या जिस तरह से इसको निभाना है वो निभा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि बप्पा की कृपा होगी और अगले साल हम हर साल की तरह बहुत ही जोश उल्लास से ये त्यौहार फिर मनाएंगे। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रा